लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी मोटे राम जी शास्त्री वाचक कृष्णा सांखला पंडित मोटे राम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। आप अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में अपने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज्य आंदोलन के दिनों में भी अपने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी, मगर जब इतनी उछल कूद पर उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड न छूटा तो अंत में अपनी एक नई तकदीर सोची। घर जाकर धर्म पत्नी जी से बोले, इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। इतने दिनों विद्यादान देने का क्या फल मिला जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं। धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजनों का भी तो कोई सहारा चाहिए। मोटे राम, तुम्हें जब देखो पेट ही की फ्रिक पड़ी रहती है। कोई ऐसा विरला ही दिन आता होगा कि निमंत्रण ना मिलते हो, और चाहे कोई निंदा करें पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूँ। आज ही सब यजमान मरे जाते हैं, मगर जन भर पेट ही जिल्या तो क्या किया। संसार का कुछ सुखी तो भुगन चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है। स्त्री ने आश्चर्य से कहा, वैद्य बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ी भी है? मोटे वैद्य, पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। दो चार सीधे साधे लड़के हैं बस, और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे भिष्गाचार्य बढ़ा लूंगा। कौन पूछने आता है तुम भिष्गाचार्य हो या नहीं? किसी को क्या गरज पड़ी है जो मेरी परीक्षा लेता फिरे? एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूंगा, उस पर शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। दो चार पैसे का हुबहेड़ा आवंगला कुट छान कर रख लूंगा। बस इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी। ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि वे इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी है या नहीं। फिर देखो वैद्य की कैसी चलती है। स्त्री, लेकिन बिना जाने बूझ दबा दोगे तो फायदा क्या करेगी? मोटे, फायदा न करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, वे मृत्यु को परस्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो नहीं मर जाते। मेरा यह कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती वे विकार शांत हो जाने पर ही अच्छे हो जाते हैं। वैद्यों को बिना मांगे यश मिलता है। पांच रोगियों में एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य ही मिलेगा। शेष चार जो मर गए वे मेरी निंदा करने थोड़े ही आवेगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेख लिखना मुझे आता ही है, कवित बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर दो चार लेख लिख दूंगा, उनमें जहाँ तहाँ दो चार कवित भी जोड़ दूंगा और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखूं कितने उल्लू फंसते हैं। यह न समझो कि मैं इतने दिनों केवल बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूँ। मैं नगर के सकल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी। स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा, मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी। न अब वे अभिलाषा ही है, पर यह तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनानी भी तो नहीं आती। कैसे बनाओगे? रुपए कैसे बनेंगे? दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो। मोटे प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो। अरे वैद्यों के लिए इन बातों में से एक भी आवश्यकता नहीं। वैद्य की चुटकी की राख ही रुपए है, भस्म है, रसायन है। बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताखों पर 10-5 शीशियां बोतल हो। इसके सिवा और कोई चीज दरकार नहीं, और सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है यह तो तुम जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पेश पा सके। आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है? 10-5 आदमी तो कवि चर्चा के नाते ही मेरे यहाँ आया जाया करेंगे। बस वही मेरे दलाल होंगे, उन्हीं की मार्फत मेरे पास रोगी आवेगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर धड़ले से वैद्य करूंगा। तुम देखती तो जाओ। स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा, मुझे तो डर लगता है कि कहीं यह विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न जाए। न इधर के रहो न उधर के, तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना लिखा है, और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें वीर तोते रटाने पड़ेंगे। मोटे, तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? स्त्री, इसलिए कि तुम वहां भी धूर्ता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्ता से चिढ़ती हूँ।
तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते, वह क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर न बन सके, सिर पटक कर रह गए। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है और इसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो? मोटे, आखिर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आवेगा? स्त्री किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते, जहां दो चार सुंदर कवित सुना दोगे, वह खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ दे ही मारेगा। वैद्य का ढोंग क्यों रचते हो? मोटे, मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम है जो वैद्यों के बाप दादों को भी न मालूम होगे, और सभी वैद्य एक एक दो दो रुपए पर मरे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपए रखूंगा, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे कि यह कोई बड़े वैद्य है, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती? स्त्री को अब की कुछ विश्वास आया, बोली, इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की कही है, मगर यह समझ लो, यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा, किसी दूसरे शहर को चलना पड़ेगा। मोटे, हंस कर, क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना, साल भर में वर्धमान डू के सारे वैद्य गर्द हो जाएं। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं, मैं रोगी को 2-3 बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही न करूंगा। कहूंगा मैं, जब तक रोगी की प्रकृति को भली भांति पहचान न लूं, उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो कैसी रहेगी? स्त्री की बाछे खिल गई, बोली, अब मैं तुम्हें मान गई, अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्य की, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, मगर गरीबों के साथ यह मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। इस कहानी की प्रस्तुति लाइफ कोट पुतली यूट्यूब चैनल के द्वारा की जा रही है। साल भर गुजर गया, भीष्माचार्य पंडित मोटे रामजी शास्त्री की लखनऊ में घूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे, उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ रसिकों के भाग्य जागे। पंडित जी उन्हें कवित सुनाते, हंसाते और बलकारक औषधियां खिलाते, और वे रईसों में जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाह रहती है, उनकी तारीफों के पुल बांधते। साल ही भर में वैद्य जी का वह रंग जमा कि बायद व शायद गुप्त रोगों के चिकित्सक लखनऊ में एकमात्र वही थे, गुप्त रूप से चिकित्सा भी करते। विलासिनी विधवा रानियों और शौकीन अदूरदर्शी रईसों में आपकी खूब पूजा होने लगी, किसी को अपने सामने समझते ही न थे, मगर स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती कि रानियों के झमेले में न फंसो, नहीं का दिन पछताओगे। मगर भावी तो होकर ही रहती है, कोई लाख समझाए बुझाए। पंडित जी के उपासकों में भिड़ैल की रानी भी थी, राजा साहब का स्वर्गवास हो चुका था, रानी साहिबा न जाने किस जीर्ण रोग से ग्रस्त थी। पंडित जी उनके यहाँ दिन में 5-5 बार जाते, रानी साहिबा उन्हें एक क्षण के लिए भी देर हो जाती तो बेचैन हो जाती, एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती थी। अब पंडित जी ने खूब की चोल बदली थी, तम जेब की अचकन पहनते, बनारसी साफा बांधते और पंप जूता डांटते थे। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर नाया करते थे। कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर रखा दिया। रानी साहिबा भला अपने मसीहा की बात कैसी टालती, मगर चरखे जफाकार और ही षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर एक हाथ रखे नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे कि इतने में कई आदमी सोटा लिए हुए कमरे में घुस आए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी भागकर दूसरे कमरे की शरण ली और किवाड़ बंद कर लिए। पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगे। यूं तो पंडित जी भी दमखम के आदमी थे, एक गुप्ती संदेव साथ रखते थे, पर जब धोखे में कई आदमियों ने दर दबाया तो क्या करते, कभी इसका पैकर पकड़ते कभी उसका। हाय हाय, का शब्द मुंह से निकल रहा था, पर उन बेरहमों को उन पर जरा भी दया न आती थी। एक आदम ने एक लात जमाकर कहा, इस दुष्ट की नाक काट लो। दूसरा बोला, इसके मुंह में का लिखौर चूना लगाकर छोड़ दो। तीसरा, क्यों वैद्य जी महाराज, बोलो क्या मंजूर है, नाक कटवाओगे या मुंह में कालिख लगवाओगे? पंडित भूलकर भी नहीं सरकार, हाय मर गया, दूसरा आज ही लखनऊ से रिफ्रेट हो जाओ, नहीं तो बुरा होगा। पंडित सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूँ, आप यहाँ मेरी सूरत न देखेंगे। तीसरा, अच्छा भाई, सब कोई इसे 5-5 आम लाते लगा कर छोड़ दो। पंडित, अरे सरकार मर जाऊंगा, दया करो। चौथा, तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू हो। पंप चलती पड़ने लगी, धमाधम की आवाजें आने लगी, मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हां की आवाज निकल आती थी, मानो उसकी प्रतिध्वनि हो।
पंचलती पूजा समाप्त हो जाने पर लोगों ने मोटे राम जी को घसीट कर बाहर निकाला और मोटर पर बैठाकर घर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दे दी कि प्रात काल से पहले भाग खड़े होना नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा। मोटे राम जी लंगड़ाते कराहते लकड़ी टेकते घर में गए और धम से गिर पड़े चारपाई पर गिर पड़े। स्त्री ने घबराकर पूछा, कैसा जी है? अरे तुम्हारा क्या हाल है? हाय हाय यह तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया? मोटे, हाय भगवान, मर गया। स्त्री, कहां दर्द है? इसी मारे कहती थी, बहुत रबड़ी न खाओ, लवण भास कर ले आऊं। मोटे, हाय दुष्ट ने मार डाला, उसी चांद डालनी के कारण मेरी दुर्गति हुई, मारते मारते सबों ने भुरकुस निकाल दिया। स्त्री, तो यह कहो कि पिट कर आए हो? हाँ पिटे हो। अच्छा हुआ, ओ तुम लातो ही के देवता, कहती थी कि रानी के यहाँ मत आया जाया करो, मगर तुम कब सुनते थे? मोटे, हाय हाय रांड, तुझे भी ऐसी दम कोसने की सूझी? मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है, किसी से कह दे ठेला वेला लावे, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण न बचेंगे। स्त्री, नहीं अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी कुछ दिन और यहाँ की हवा खाओ। कैसे मजे से लड़के पड्ढा थे, हाँ नहीं तो वैद्य बनने की सूझी। बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर न भूलोगे। रानी कहाँ थी कि तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा न की? पंडित, हाय हाय वचुडैल तो भाग गई उसी के कारण, क्या जानता था कि यह हाल होगा, नहीं था उसकी चिकित्सा ही क्यों करता? स्त्री हो तुम तकदीर के खोटे, कैसी वैद्य की चल गई थी, मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश मार दिया, आखिर फिर वही पड्डवानी करना पड़ी, ओ तकदीर के खोटे। प्रात काल मोटे राम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर असबाब लग रहा था, मित्रों में एक भी नजर न आता था। पंडित जी पड़े कराह रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी। दशमाधुरी जनवरी 1928। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की कहानी मोटे राम जी शास्त्री। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ कोट पुतली को शेयर लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूले, जिससे हम आपके लिए नई कहानी बना सके। धन्यवाद लीजिए।